Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूँ दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितना भी पुराना यूरिक एसिड हो, आप उसे 5 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं और उस टाइम आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी, बात करते हैं इसी टॉपिक पर. सबसे पहले बता दिया जाए, हमारा यूरिन ब्लड में जब घुलने लगता है, फिल्टर होकर बाहर निकलने की बजाय ब्लड में ही मिलने लगता है, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ये मोस्टली पैरों में या हाथों में देखने को मिलती है. इसमें स्वेलिंग, दर्द होना, एज ए क्रिस्टल टाइप बन जाना, जैसे बहुत टाइट सा फील होना, ऐसे हो जाता है. तो हम बात करते हैं कि इसे कैसे ठीक करें, और सिर्फ 5 दिन में कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आ जाए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो करने के पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको 5 दिन में विटामिन सी यानी कि सिट्रिक एसिड जितना हो सके उतना लें. जो विटामिन सी है वही आपकी ब्लड में से जो यूरिक एसिड घुल रहा है, यूरिन घुल रहा है, उसको बाहर करता है. आपके बूंद से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू ही. इसीलिए जितना हो सके विटामिन सी लें. ये नहीं सिर्फ 5 दिन ही लेना है, बाकी दिनों में भी आप विटामिन सी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें. अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में. तो आपको मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद 1 गिलास लौकी का जूस निकाल लेना है और उसमें 2 चम्मच आंवले का जूस मिक्स करके ले लेना है. ये आपने फ्रेश होने के बाद लेना है. उसके घंटा बाद आप ब्रेकफास्ट करें. ऐसा करने से आपने मॉर्निंग की जो शुरुआत करी है वही यूरिक एसिड को बाहर निकालने में हेल्पफुल होगी. इसके बाद और आपने क्या करना है, पूरे दिन में कभी भी चाहे तो आप आंवले का सब्जी बनाकर खाएं, आंवला पाउडर लें, आंवला कैंडी लें, आंवले का मुरब्बा लें, जैसे भी आंवला लें, लेकिन आंवले का सेवन ज़रूर करें. ये नहीं कि आपको जितने ट्रीटमेंट इस वीडियो में बताए जा रहे हैं उनमें से आपने 1 या 2 करने, आपने सारे करने हैं. इसीलिए आप आंवला कैंडी के 4 से 5 पीस खा सकते हैं पूरे दिन में. मुरब्बा है तो आप 1 पीस मुरब्बा भी खा सकते हैं. अब बात करते हैं मौसमी, कीनू, माल्टा, ये चीज़ों की. जैसे आपने आंवला या आंवला कैंडी, मुरब्बा कभी भी लेना है, वैसे ही जब भी आपको प्यास लग रही है तो आपने मौसमी का जूस ले लें, कभी माल्टे का, कभी कीनू का, तो आपने इनको लेना है. एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी जूस में, किसी भी चीज़ में आपने चीनी ऐड नहीं करनी. चीनी की बजाय आपने उसमें सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं यूज़ करनी किसी भी जूस में आपने. इसके बाद बात करते हैं दोपहर में. तो दोपहर में आपने लस्सी पीनी है, जो दही की लस्सी बनती है वो पीनी है. इसमें भी आपने 1 चुटकी सेंधा नमक मिक्स करना है, जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करने में हेल्पफुल है. आप अगर 5 दिन ही सारे का सारा ट्रीटमेंट फॉलो करते हो तो आप बहुत आराम से अपनी रिपोर्ट को सही रिजल्ट में लेके आ सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो आगे चलकर अर्थराइटिस यानी कि ज्वाइंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है. यूरिक एसिड वो यूरिक होता है जो वो जमता जाता है बोन्स के साथ, और ये यूरिक एसिड अर्थराइटिस बन जाता है. इसीलिए इसका इलाज करें. इसके साथ साथ आपको दिन में कभी भी नींबू पानी पीना है, कभी भी पी सकते हैं. इसमें चीनी या हनी मिक्स न करके आपने सेंधा नमक ही ऐड करना है. आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1/2 गिल नींबू डाल दिया, मतलब 1/2 नींबू का रस डाल दिया, और 1 चुटकी सेंधा नमक मिक्स कर लिया. ये आप कभी पिए, यानी पूरे दिन में आप विटामिन सी ही ले रहे हैं, जो कि आपकी इस यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल है. इसके बाद बात करते हैं कि आपने रात को सोते टाइम क्या लेना है. तो आपने 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जूस को मिक्स करना है, पीना है और सो जाना है. ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है एलोवेरा जूस का, जो कि 2 दिनों में ही आपको रिजल्ट दिखा देगा कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है.
इसके अलावा आप बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी, तो आपने प्रोटीन फूड नहीं लेना इन 5 दिनों में। वैसे भी जिनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम होती है उन्होंने कम लेना होता है, लेकिन इन 5 दिनों में तो बिल्कुल नहीं लें। दालें अवॉइड करें, दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों को नहीं लें। इनमें रिच प्रोटीन होता है जो कि यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए ओवरऑल कह सकते हैं कि आप विटामिन सी लें और प्रोटीन जितना हो सके कम कंज्यूम करें। ये थी इन्फॉर्मेशन यूरिक एसिड के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपके फ़ोन में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेम टाइम, यानी कि सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।